अगर किसी भी बच्चे को विटामिन या पोलियो के बच्चे को या फिर किसी भी और इंफेक्शियस डिजीज जैसे H1N1 है, डेंगू है, राइट, या एनसेफेलाइटिस है, ऐसे बच्चे को अगर वायरल डिजीज के पेशेंट को अगर हाई डोज ऑफ विटामिन सी दिया जाए तो वो रिकवरी 3 दिन या 4 दिन में हो जाती है। लेकिन अक्सर इसमें देखा गया कि हाई डोज ऑफ जो विटामिन सी दे रहे थे वो इंजेक्शन के थ्रू दे रहे थे, लेकिन इंजेक्शन के थ्रू तो एक डॉक्टर देगा, हम तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते, तो उसी को मुंह से कैसे लेना है, तब कितनी क्वांटिटी होगी ताकि इक्विवेलेंट उतना ही हो जाए, ये सारी कैलकुलेशन मैंने किया और कल के एक फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप देते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, इट टेक्स 3 डेज टू गेट क्योर्ड ऑफ डेंगू, ऑफ H1N1 या XYZ, जो मर्जी उस वायरस का नाम हो। ये कोई मेरा बनाया हुआ प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है। हमें अपने बॉडी को इम्यूनाइजेशन से स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए वो टेक्निक जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको यूज करना है। सो इट इज कॉल्ड 3-step protocol फॉर ऑल इंफेक्शियस डिजीज। जैसी बीमारी का पहला साइन होता है, अरे मुझे तो लग रहा है फीवरिश होता ना पहला साइन, द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट साइन ऑफ द सिकनेस, अरे मुझे कोल्ड होने लगा, पहला साइन जैसी होता है तभी इसको इंप्लीमेंट कर देना है। द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट साइन ऑफ इट कैसे इंप्लीमेंट करना है, इट इज अ 3-step protocol, इट इज अ 3-day protocol। सो ये प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है, स्टेप 1 डे 1 आई कॉल इट लिक्विड डे। डे 1 में इस फॉर्मूले के मुताबिक ये सारे पीपीटी आपको मिल जाएगा, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, कि आपका बॉडी वेट, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, डिवाइडेड बाई 10 कितना बनेगा, 7 glass, एक ग्लास 250 ml का है, पूरे दिन भर में मौसमी जूस या संतरे का जूस या पाइनएप्पल का जूस, प्लस 7 glass ही नारियल पानी पूरे दिन भर में मुझे पीना है, यह है पहला दिन, पेशेंट का पहला दिन। पेशेंट का दूसरा दिन आई कॉल इट फ्लूइड डे। बॉडी वेट, मान लो बॉडी वेट 80 kg है तो डिवाइड बाय 20 कितना हुआ, 4 glass, मेरे केस में 3.5 glass अप्रोक्सीमेट, राइट, मौसमी जूस प्लस उतना ही क्वांटिटी में कोकोनट वाटर प्लस आपके बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 17 × 5 कितना हो गया, 350 ग्राम टमाटर और खीरा। दिस बिकम्स द मेडिसिन फॉर डे 2 एंड डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डे। ब्रेकफास्ट में बॉडी वेट इंटू डिवाइड बाय 30, राइट, मान लीजिए बॉडी वेट है करीब 60 kg तो कितना हो गया, 2 या मेरे केस में 2.5, बहुत एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं, जितना भी बता रहा हूं थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना मौसमी और उतना ही कोकोनट वाटर, दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। लंच में वही टमाटर और कुकुम्बर, सेम फॉर्मूला जो हमने डे 2 में लगाया था, और डिनर रात का खाना, तब तक आपका बॉडी ठीक हो गया है तो आपको नॉर्मल फूड खाना है जैसे आप पहले खाते थे। जस्ट 3 days एंड यू आर क्योर्ड, यू आर हील्ड एवरी टाइम, हर बार, राइट, एक बार नहीं दो बार नहीं, हर बार। इसका नियम एक ही है, द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट सिम्टम, जैसे ही पहला सिम्टम हुआ, जैसे आपको लगा कि पहली छींक आई, पहला बुखार टेम्परेचर पता चला आपको, पहला एहसास आया, तभी आपने इंप्लीमेंट कर दिया, एंड देन यू सी बाय 3rd day यू आर ओके। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई एक पेशेंट देखा नहीं जिसने ये किया हो और वो ठीक ना हो गया हो ऑन द 3rd day। 3rd day ही इज रेडी टू गो एंड डू हिज यूजुअल बिजनेस, राइट। सो यानी कि अब इस फॉर्मूले के साथ वो जो ढाल था, एक ढाल से तो छुटकारा मिल गया, कि कभी भी कोई भी इंफेक्शियस डिजीज अगर आपको होता है या आपको लगता है कि होने जा रहा है या हो गया है, तो इमीडिएटली यू नो हाउ आई कैन बूस्ट माय इम्यूनिटी राइट नाउ। और जो मैं बात कर रहा हूं वो भी जर्नल्स के ही रिपोर्ट्स हैं, जर्नल्स के ही रिसर्च पेपर्स हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं, और ये जर्नल्स कंसिस्टेंटली 1940s में, 1950s में, 1960s में लगातार ये रिपोर्ट बता रही हैं, रिसर्च पेपर बता रही हैं दैट दिस मेथड वर्क्स, राइट। लेकिन कंसिस्टेंटली एक चीज और हो रही है, वही वाला कि वो जो लाइन है उसको छोटा करने की कोशिश या लाइन को गायब करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश भी सक्सेसफुल हो रहा है, बिकॉज हम में से किसी को पता ही नहीं है, और हमें तो पता है सिर्फ दवाई लो और उसी से हमारा इलाज हो सकता है, जबकि ट्रुथ यह है कि मेडिसिन कैन ओनली डू वन थिंग, इट कैन सप्रेस यू। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्टुरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए
7118622 9 पर।